अब बैंक चेक बुक की जरूरत नहीं होगी क्योंकि चेक काट कर भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। नहीं जरूरी होगी बैंक की पासबुक कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की, और देश में ट्रांजेक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और 2020 तक उसके पूरी ट्रांजेक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। डिजिटल पासपोर्ट के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मिलेगी। तमाम रियल इस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की जो ई कैश यानी डिजिटल कैश है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजेक्शन के लिए कोई मिडलमैन नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, IBS, सिस्को और क्रिप्को सरीखे 46 कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी हैं। और अब असल सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत दुबई को ही क्यों पड़ी और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। दुबई का कहना है उसने तकरीबन 1 करोड़ दस्तावेजों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया है जिससे दुबई ने 2.5 करोड़ लोगों के काम के घंटे बचा लिए और $1.5 मिलियन टैक्स भी बचा लिया। और दुबई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आयशा बिन बिशर के मुताबिक उनका मिशन है दुबई दुनिया में सबसे अलग हो, एक लिहाज से हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ अर्थ हो, जहां कोई कागजी काम ना हो तो फिर फ्रॉड भी ना हो। और दुबई का टारगेट 2020 का है और भारत भी क्या 2020 तक इस दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहता है? ब्लॉकचेन का मतलब साफ है, ना ही रहेगी बैंक, ना ही रहेंगे बैंकर, ना ही रहेंगे मिडलमैन जो आपको ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। यानी एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था जिसमें बागडोर होगी सरकार के हाथ में, वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब, बैंकर गायब यानी रोजगार गायब। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडिल मैनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं? यह सिर्फ एक सवाल है पर इसकी गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है। अगर भारत में असमानता चरम पर है, हालातों ने 1921 वाली स्थिति को पकड़ लिया है, तो फिर कई थ्योरियां हैं। मसलन असमानता बढ़ेगी तो समाज में असंतोष बढ़ेगा, असंतोष करप्शन से लेकर लूटपाट की स्थिति भी बनाएगा और पैसे वालों को राहत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिट बैठती है। और आखिरी थ्योरी यही है, जब ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा भी नहीं। पर सवाल तो यह है, भारत जैसे 125 करोड़ के देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब करोड़ों लोगों को बेरोजगार करना भी होगा, तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ेगा? हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते मोदी सरकार निकली है उसमें हर पैसे पर निगाह सरकार रखना चाहती है, डिजिटल भारत बनाना चाहती है, फ्रॉड से भारत परेशान है, तो ऐसे में रास्ता यही बचता है जिसे दुनिया अपना रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।